हेलो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रजापति और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देव ऑटो सेंटर। दोस्तों आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों वीडियो में आज हम जो टॉपिक लाए हैं, हमारे पास है हीरो पैशन प्रो बाइक और इसमें हम आपको दिखाएंगे इसके रियर ब्रेक शू को कैसे क्लीन किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं ये हीरो पैशन बाइक के रियर ब्रेक शू है। रियर ब्रेक शू पर देखिए कितनी डस्ट यहाँ पर जमी हुई है। डस्ट को क्लीन करने के लिए दोस्तों हमें रेगमार की सहायता लेनी होगी। रेगमार की सहायता से हमें इसके डस्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन करना होता है। दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं ये रेगमार का टुकड़ा है, इसकी सहायता से हम इसके सारे डस्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे। देखिए कितनी डस्ट से बाहर निकल रही है। ये देखिए दोस्तों ये अब काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। इसके बाद हमें ऊपर की साइड से क्लीन करना होता है। ये देखिए दोस्तों ये काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। इसके बाद इसके दूसरी साइड का ब्रेक शू हमें क्लीन करना होगा। दोस्तों अगर आपकी बाइक के ब्रेक शू डैमेज हो चुके हैं और आप उन्हें खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उन्हें सेल कर सकते हैं। तो चलिए हल्का ग्रीस हम इसके अंदर यहां पर लगा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों ब्रेक शू की जो क्लीनिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो चुकी है। इसके बाद इसके ड्रम पहिए के ड्रम की हमें अंदर से क्लीनिंग करनी होगी। देखिए ये इसका ड्रम है और अंदर की साइड का जो डस्ट है वो रेगमार की सहायता से हमें काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन करना होता है। देखिए दोस्तों कितना डस्ट इसके अंदर से बाहर निकल रहा है। काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें इसकी क्लीनिंग करनी होती है। ये देखिए इसकी क्लीनिंग काफ़ी अच्छी तरीके से हो चुकी है। इसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं ये इसके ड्रम प्लेट है और ये इसके ब्रेक शू है, इसकी क्लीनिंग हम कर चुके हैं। इसके बाद इसकी फिटिंग हम ऐसे करके यहाँ पर करेंगे। देखिए फिटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से हो चुकी है। इसके बाद इसे हमें बाइक के झूले में फिट करना होगा चैन स्प्रॉकेट में। तो देखिए पहिए को हम यहाँ से लगाएंगे, इसके अंदर की साइड हमें इसे लगाना होता है। दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये खांचे दिए गए हैं और ये वाले बोनट यहाँ पर हमें इसके फिट करने होंगे चैन स्पॉकेट के। इसे हम ऐसे करके यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से लग चुका है। इसके बाद इसमें हमें एक्सल लगाना होगा। ये देखिए एक्सल अब लग चुका है। इसके बाद इसके दूसरी साइड से हमें इसकी भोगली लगानी होती है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये पहिए की भोगली है, इसे हमें यहाँ पर लगाना होगा। ये देखिए यहाँ पर लग चुकी है। इसके बाद इसके दूसरी साइड से इसके एक्सल को हम अंदर की साइड करेंगे। ये देखिए दोस्तों एक्सल बाहर आ चुका है। इसके बाद इसके ऊपर की साइड की एडजस्टिंग पट्टी हमें लगानी होगी। ये जो आप देख पा रहे हैं ये इसकी एडजस्टिंग पट्टी है, इसे हम ऐसे करके यहाँ पर लगाएंगे एक्सल के अंदर की साइड, इसे हमें फिट करना होता है। ये देखिए यहाँ पर लग चुकी है। इसके बाद इसके ऊपर की साइड की डिबली हमें लगानी होगी। ये देखिए दोस्तों डिबली यहाँ पर लग चुकी है। इसके बाद
दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं ये इसके तान का बोल्ट है। तान का बोल्ट हमें इसकी ड्रम प्लेट में यहाँ पर लगाना होता है इसके अंदर की साइड। ये देखिए यहाँ पर लग चुका है। इसके बाद इसकी तान को हम यहाँ पर लगाएंगे और इसके ऊपर की साइड ये वार्सल हमें लगानी होगी। देखिए वार्सल यहाँ पर लग चुकी है। इसके बाद ये इसके ऊपर की साइड की डिबली है, इस डिबली को हमें यहाँ पर लगाना होगा और 14 नंबर के पाने की सहायता से काफ़ी अच्छी तरीके से इसे हम टाइट कर देंगे। ये देखिए 14 नंबर का पाना है, इसकी सहायता से हमें इसे काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट करना होता है। ये देखिए दोस्तों ये अब काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट हो चुका है। इसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं ये इसके ब्रेक का तान है और ये इसके पीछे की साइड का स्प्रिंग, इसे हमें यहाँ पर लगाना होगा। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये यहाँ की कैम की भोगली दी गई है, इसे हमें यहाँ पर लगाना होता है। देखिए यहाँ पर लग चुकी है। इसके बाद इसकी ब्रेक तान को हम इसके अंदर से बाहर निकालेंगे और इसके पीछे की साइड ये एडजस्टिंग डिबली हमें लगानी होगी। ये देखिए यहाँ पर लग चुकी है और इसके बाद अपने हिसाब से हम इसके ब्रेकों को एडजस्ट करेंगे। 14 नंबर के पाने की सहायता से हमें इसके ब्रेक को एडजस्ट करना होता है। ये देखिए दोस्तों ब्रेक काफ़ी अच्छी तरीके से एडजस्ट हो चुके हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं। इसके बाद पहिए के मैन बोल्ट को हमें टाइट करना होगा। दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं ये पहिए का मैन बोल्ट है, 19 नंबर के पाने की सहायता से हमें इसे टाइट करना होगा। इसे टाइट करने के लिए पहले पहिए को घुमाकर हमें ब्रेक का इस्तेमाल करना होता है। ब्रेक को लगाए लगाए ही हमें इस बोल्ट को टाइट करना होता है। ये देखिए 19 नंबर के पाने की सहायता से हम इसे काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट करेंगे। इसे हमें काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट करना होता है ताकि पहिया लूज न रहे। दोस्तों जो हीरो पैशन प्रो बाइक के रियर ब्रेक की क्लीनिंग की फिटिंग का वीडियो था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक से कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। साथ ही बेल आइकन की घंटी वाला बटन जरूर दबाएं जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये देखिए दोस्तों ये अब काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट हो चुका है। इसके बाद हम आपको चेक कराते हैं। देखिए इसके ब्रेक काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं।